हेलो फ्रेंड्स, आज मैं व्रत स्पेशल नमकीन बनाने जा रही हूँ जो कि आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने लिया यहाँ से 6 से 7 आलू। आप देख सकते हैं मैंने इसे पहले ही छील लिया था और छील करके इसे पानी में रख दिया था। ध्यान दीजिए, जब भी आपको आलू छील के रखना हो तो आप ऐसे ही पानी में भिगो के रखिए, नहीं तो आपके आलू काले पड़ सकते हैं। अब मेरे पास ये सिंपल वाली कद्दूकस है, मैं इससे ही इसको ग्रेट करूंगी और आलू के लच्छे बनाऊंगी। इस तरीके से पतले पतले लच्छे निकल रहे हैं, लेकिन मुझे और मोटे लच्छे बनाने हैं, इसलिए मैं दूसरा वाला कद्दूकस जो है वो यूज कर रही हूँ। और इससे ये मोटे मोटे जो लच्छे होते हैं, इससे इसकी नमकीन अच्छी बनती है। जब भी आप आलू को ग्रेट करें, इसका ये कद्दूकस किया हुआ जो भी पार्ट है, आप इसको पानी में भिगो के रखें, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। सारे आलूओं को अच्छे से ग्रेट करने के बाद उसे 5 से 6 बार पानी चेंज करके धुलना है, जब तक कि पानी साफ ना हो जाए, उसका स्टार्च अच्छे से निकालना है। तो इस तरीके से मैंने भगोने को चेंज करके कई बार ये धुल लिया था और ये बिल्कुल साफ़ हो गए थे। और इसे मैं इस तरीके से जाली में निकाल दिया था मैंने 5 मिनट के लिए, और अब इसे कॉटन के कपड़े पे लगभग 1 घंटे के लिए मैं इसे फैला के छोड़ दूंगी। बेटर होगा अगर आप इसको पंखे के नीचे छोड़ेंगे तो इसका जो मॉइस्चर है जल्दी ही सूख जाता है और ये तलने में आराम हो जाता है। अब इसे मैंने बहुत अच्छे से कॉटन के कपड़े पे फैला के छोड़ दिया 1 घंटे के लिए। ये देखिए, अब तब तक मैं और भी अपनी जो मटेरियल है मैं छान लेती हूँ। जैसे मैंने बादाम यूज किया है, बादाम, काजू, मखाना, आप जो भी चाहे यूज कर सकते हैं, जो ना चाहे आप उसे छोड़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे फ्राई कर लूँगी। बादाम है और काजू है, अब ये भी हो गया। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल के नाम के नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है। तो ये देखिए, नमकीन अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर से दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।